हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जो चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसका पूरा सारांश को आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के क्लास में चैप्टर 3 से जो हम लोग करने वाले हैं थ्योरी और एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को यानी कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि क्लास में ही आपको लगभग 70 से 80% आपको यानी याद हो जाएगा। आपको बुक वगैरह पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा। बस आपको इतना ही करना है कि अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे जैसे कि आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, ये सारांश का हम लोग क्या, इसका लेखक जो है यानी राइटर जो है कौन है, तो ये इसका लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है। और पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेखक का नाम जो है इसका क्या, जयप्रकाश नारायण है। देखिए, आपको पता होगा लेखक का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जन्म जो इसका हुआ था 11 अक्टूबर 1921 को हुआ था, ठीक है, 1902 को हुआ था, सॉरी 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था। और इसका निधन की अगर बात करें हम जयप्रकाश नारायण की, तो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है। 11 अक्टूबर इसका निधन, जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, और इसका निधन जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है। इसका नाम जो है, राइटर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका जन्म स्थान जो है कहाँ है, सीताब दियाड़ा गांव, उत्तर प्रदेश बलिया, और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। तो डियस्टन, इसका जन्म स्थान कहाँ है, सीताब दियाड़ा गाँव, ठीक है, और ये स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को आगे देखेंगे हम लोग। इसको क्या है, पुकार नाम, यानी इसका, इसको किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए, आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि सवाल जो आते हैं कैसे आते हैं। देखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, इसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था, आपको याद रखना पड़ेगा। बड़े होने पर इसे जेपी के नाम से भी जाना जा गया, जेपी के नाम से लोग पुकारते थे बड़े होने के बाद। फिर अपने जन पक्षधार के लिए, यानी जन पक्षधार के लिए क्या नाम से जाना गया, यानी लोक नायक के नाम से ये काफ़ी यानी प्रसिद्ध हुआ। इसे लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं, ये जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक नायक के नाम से यानी किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे, फिर हम लोग देखते हैं। इसका माता का नाम है फूलो रानी, यानी क्या, फूल रानी है। माता का नाम क्या है, फूल रानी है। और पिता का नाम क्या है, हर्षद दयाल है। क्या है, पिता का नाम हर्षद दयाल है और माता का नाम फूल रानी है, ठीक है। चलिए, इसका पत्नी का नाम जो था यानी प्रभावती देवी था। और शिक्षा तो ये कहाँ से ग्रहण किया था, आगे इसको देख लेते हैं। घर पर ही फिर पटना कॉलेज पटना में दाखिल हुआ, ठीक है। और यहीं बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। उसके बाद इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी और 1922 में शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका गए और वहाँ के कैलिफोर्निया बर्किले, विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण किया। कहाँ पे, यानी शिक्षा जो ग्रहण किया, कैसे कैसे किया, आपको पता होगा। पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया, असहयोग आंदोलन के दौरान इसका शिक्षा अधूरा रह गया, फिर अमेरिका गया और वहाँ से जाकर के क्या क्या विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और मार्क्सवाद और समाजवादी की शिक्षा यह ग्रहण की, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। माँ की अवस्था की कार PhD ना कर सकी, यानी माँ की यानी स्थिति यानी जो उसका ख़राब था उसके वजह से यानी PhD है ना कर सका और देश लौट आए और राजनीति जीवन में 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गया। ये 1929 में जो है ये कांग्रेस में शामिल हुए, PhD नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसका मम्मी का जो स्थिति था तो ये ख़राब था, जिसके रीजन से वो क्या है, मतलब घर वापिस आ गया, ठीक है, उसका निधन हो गया। हाँ, 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गया। 1932 में साविनी आंदोलन के दौरान जेल गए थे, यानी 1932 में जो साविनी आंदोलन हुआ था उसमें जो 1930 में जो है साविनी आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, तो ये 1932 में जो है ये कहाँ गया था, यानी जेल गए थे। और जेल से यानी कलर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कौन ये भूमिका निभाया, कब, यानी 1930 में। चलिए आगे फिर देखिएगा, 1943 में भी जेल गए और 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्ध मिली और आज़ादी के बीच 1952 में प्रोफेसर सोशलिस्ट पार्टी के क्या किया, गठन में योगदान दिया और धीरे धीरे ये सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया। और 1980 में विनोबा भाव के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, यानी 1980 में भी ये विनोबा भाव के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसे कि आपको पता होगा 1974 में सबसे बड़ा जन आंदोलन उभरा था, यानी पटना के गांधी मैदान में, और यही इसका नेतृत्व जो है किया था 1974 में, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि 1974 में सबसे बड़ा जनसभा उभरा था कहाँ, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। चलिए, और इसे लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, आपको इतना पता होगा।
तो डियर स्टूडेंट, ये जो है अभी आपको हम लेखक के राइटर के बारे में इतना आपको हम जानकारी दे रहे थे, ठीक है, ये लेखक के बारे में आपको हम बता रहे थे। तो इस पार्ट में जो हम लोग यानी कवर करेंगे, तो ये लेखक के बारे में जितने सारे सवाल आए, जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसका हम लोग पहले कवर करते हैं, यानी लेखक के बारे में सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करते हैं। उसका पार्ट टू में आपका जो है जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, ऑब्जेक्टिव हम लोग जो जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको ही लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये उदाहरण किस पार्ट से लिया गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है और बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो ये किसने मतलब ये किस पार्ट के लिया गया है, तो ये आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है अभी आपको हम बता रहे थे जयप्रकाश नारायण, इसका राइटर है, ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, अमेरिका का दलाल कहा था, ब्रिटेन का, रूस का, या आपका जापान का, तो आपको पता होगा तीन नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका का यानी दलाल कहा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था उसका क्या था, तो इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि अभी भी हमें आपको पढ़ा है कि जयप्रकाश का बचपन का नाम जो है बाउल था, और थोड़ा बड़ा होने पर उसको जेपी के नाम से पुकारा गया। जब वो जनपक्षधार हुआ, यानी जब आंदोलन में, जब नेतागिरी में, राजनीति में कदम रखा, तो उस टाइम में जो हुआ जयप्रकाश नारायण के नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, ठीक है, बाउल नाम से इसे जाना जाता था बचपन में, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था इसके बारे में आपको पता होगा, 11 अक्टूबर 1902 में, या 12 अक्टूबर 1903 में, या 13 अक्टूबर 1904, या आपका 14 अक्टूबर 1905, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर 1902 में जो है जयप्रकाश नारायण का क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण का निधन जो है कब हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण के निधन के बारे में आपको पता होगा, इसका निधन जो हुआ था यानी कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीताब दियारा, उत्तर प्रदेश की बलिया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ था, सीताब दियारा, उत्तर प्रदेश की बलिया, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 8 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण को जो लोग जो है लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था, यानी बिहार के जो छात्र आंदोलन का जो है जेपी ने जो है कब नेतृत्व किए थे, तो आपको पता होगा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को ही जेपी कहा जाता था, यानी 1974 में जो है इसका यानी क्या किया था, यानी ये आंदोलन में नेतृत्व किया था, जो सबसे बड़ा जनसैलाब बनकर के उभरा था पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा है, आपको पता होगा महात्मा गांधी ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आपका लोकमान्य तिलक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है आपको बताना चाहिए कौन कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो इसका मैक्से सम्मान एवं भारत रत्न से यानी सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, किस पार्ट में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति, हंसते हुए मेरा अकेलापन, या प्रगति और समाज, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर सवाल, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, बताइएगा, भगत सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, या आपका जयप्रकाश नारायण का, नेक्स्ट इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 15 नंबर सवाल, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ के बारे में आपको बताना चाहिए कि इसका जड़ जो है क्या होता है, यानी दलविहीन सरकार होगा, या आपका सरकार की गलत नीतियां, या लोक कल्याण, या आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका भ्रष्टाचार की जड़ जो होता है क्या होता है आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सरकार की गलत नीतियाँ जो है भ्रष्टाचार की जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होगा गांव सीताब दियारा, और स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसका आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, यानी भारत में आपातकाल जो है लागू ये कब हुआ था, तो आपातकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपातकाल कब लागू किया गया था, यानी 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, फ्री प्रेस के मालिक कौन था,
यानी फ्री प्रेस के मालिक कौन था, आपको बता होगा अमर था या आपका सरदार था या आपका अमन था या आपका सरदान दजी थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सरदान दजी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया जितना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था चैप्टर वन के, तो सारा हम यानी कवर कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक बता दें, एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है, एक न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 0% आपका तैयारी हुआ है, तो आप चाहते हैं कि हम घर बैठे बिहार बोर्ड की तैयारी करो और उसमें हम टॉपर करें, तो डियर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम वैसे कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें आपको सभी तरह प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, इसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, विवेक क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्वाइज टेस्ट दिया जाएगा आपको। ठीक है, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको एनी टाइम एनी वेयर आपको हमेशा यानी जो उसका जवाब होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसका आपको यानी सॉल्व किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यानी एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन करने के लिए आपको बिहार बोर्ड एसएससीडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से बिहार बोर्ड एसटीडी, बिहार बोर्ड एसटीडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पे जाना है, वहाँ जाकर के आपको यानी कोर्स को परचेस करना है। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए आपको एडमिशन फी ओनली मात्र 499 रुपये पे करना पड़ेगा। चाहे फ़ोनपे पेटीएम किसी के माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीन शॉट स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट नेम आपको यानी कहाँ पे व्हाट्सअप पे इसी नंबर पे यानी सेंड कर देना है। अगर आपको ये सारा ये चारों आपके पास सुविधा ना हो तो आप बैंक अकाउंट में भेज करके उसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट नेम सेंड करना है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट नेम जो जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इस बैच में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, कुछ ही दिनों के लिए ऑफर आपके लिए है। इस कोर्स का जो प्राइस है 3500 रुपया है, लेकिन कुछ ही दिन जो है ये अभी मतलब ऑफर में है, जिसमें आपको 499 रुपीज़ में ओनली आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये काफ़ी सुनहरा अवसर है, क्योंकि अगर आप कहीं भी ऑफलाइन वगैरह कोचिंग करते हैं जिसमें प्राइस जो उसका रहता है एक मंथ का आपका यानी 600 से 700 रुपया लेता है, लेकिन ये आपको पूरा ईयर का आपका यानी पूरा कोर्स का कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें आपको मात्र 499 रुपया में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चले गए जहाँ तक आज की क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।